लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फिलिप्स एक्वा टच शेविंग मशीन के ये वाले ब्लेड्स आप चेंज कर सकते हैं अगर वो खराब हो गए हैं तो। देखिए लगभग 2 साल में या 3 साल में आपके ये खराब हो सकते हैं। ये ऊपर वाले पहले खराब होते हैं क्योंकि ये ब्लेड के चलने से ये वाला पोर्शन अपा घिस जाता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे आप अपना फिलिप्स एक्वा टच का एक ब्लेड चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आप इसे यहाँ से ओपन करें। असल में होता क्या है, ये आपका 2 साल में जब चलता है तो चलते चलते ये ब्लेड ऊपर का जो हिस्सा है ब्लेड के ये वाला, उससे क्या है ब्लेड लगने से ये कट जाता है। देखिए अगर आप देख सकें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कटा हुआ है ये, तो आपको हल्का हल्का लगने लगता है तो ये आपको चेंज करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले इसे ओपन करके ये जो है यहाँ आप इसे गोल ऐसे घुमाएं और इसको आप उठा लें। ये देखिए अब ये तीनों ब्लेड आपके निकल आएंगे। इस तरह से नीचे से उंगली आप डालें तो इस तरह से आप तीनों ब्लेड्स को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ मैं आपको और दिखाता हूँ सही तरह से। आप इसको पलट के, ये इसका ब्लेड है जो इसमें घूमता है। तो क्या होता है घूमने से कभी कभी ये कट जाते हैं लगभग 1-2 साल बाद। ये देखिए अगर आप देख सकें यहाँ पे तो हल्के से यहाँ पे ये कटा हुआ है आपका। ये देखिए यहाँ 1-2-3 यहाँ पे इस टाइप के बने हुए हैं और ये 4 यहाँ पे, तो ये 4 जगह से लगभग कट चुका है। तो यहाँ पे जो है आपको ये बदलना पड़ेगा। आपको अगर एक ब्लेड बदलना है इसका तो लगभग ये 450 रुपये के आसपास का बदलेगा पूरा का पूरा। आप इसे बदल सकते हो या आप चाहें तो पूरा सा पूरा इसे भी आप ले सकते हो। ये लगभग आपका 1300-1400 रुपये का आएगा या 1200 के आसपास ये पूरा तीनों ब्लेड आ जाएंगे। तो लगभग 2 साल में ये कट सकता है इसका ये। तो फिर इसके बाद में आप लें वो आपको दूसरा ब्लेड दे देगा और इसको वापस ऐसे ही डालें जैसे लिया था आपने और इसमें डालें और वापस इसको आप ऐसे लगाएं और इसके बाद में ये आप लगा दें और लगाने के बाद में आप इसको वापस इसमें लगा दें और अब ट्रिमर आपका काम करने लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।